आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोलानाथ पुल अंतर्गत 117 करोड़ की आरोपी योजना पारित होने पर दक्षिणी क्षेत्र की जनता व कांग्रेसियों ने विधायक का किया स्वागत। आपको बता दें कि भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के समस्त जनता ने भोलानाथ पुल कार्य को स्वीकृति मिलने की खुशी में भागलपुर विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का स्वागत किया। वहीं आरओबी योजना 117 करोड़ की स्वीकृति मिलने के बाद शहरवासी काफी खुश हैं। खासकर दक्षिण क्षेत्र के लोगों की परेशानी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन इस पर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी डफली अपनी राग वाली बातें कर रहे हैं, जहां शाहनवाज हुसैन सारा क्रेडिट अपने आप को और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का कहना है कि सदन में मैंने 13 बार इसकी आवाज उठाई है, तब जाकर यह योजना पारित हुई है। खैर, शहरवासियों को भोलानाथ पुल के जल जमाव से राहत मिले, यही बड़ी बात है। वहीं बता दें कि अजीत शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी से मैं खपा नहीं हूं, परंतु यह योजना लाने में मेरा योगदान है। मैंने सदन में करीब 13 बार यह मुद्दा रखा, तब जाकर यह स्वीकृति मिली है। ये जो भोलानाथ पे आरोपी की स्वीकृति कैबिनेट ने 4 तारीख को दिया है, मैं तो पटने में ही था। मुझे इस दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने कहा कि आपको आना है, चूँकि बहुत बड़ा आपने शौकात तो मैंने नहीं दिया है। मैं तो आपकी आवाज़ सदन में बना हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों ने बात मानी और कैबिनेट में 4 तारीख को 7 बजे उसकी स्वीकृति मिल गई। और स्वीकृति मिल गई 117 करोड़ 86 लाख के आसपास है, और ये 2-3 महीने में इसकी निविदा भी निकाली जाएगी। मैंने प्रधान सचिव प्रत्यय मंदिर जी से बात की है, और ये बहुत ही लोग, ये आज का चीज़ नहीं है, आज़ादी के बाद से कभी बनने का काम नहीं था। सब जगह आरोपी बनता था, ये भागलपुर का दक्षिणी क्षेत्र का आरोपी कभी बन नहीं रहा। मैं जब से जीता हूँ इनकी शक्ति पर मैं आवाज़ बनता रहा हूँ, और मैं दिल के गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी को, तारकेश्वर और डिप्टी सीएम उनको, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी को और योजना मंत्री को भी, और साथ में प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी को भी भागलपुर की जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। आपने चित प्रचित जो बहुत मांगे लंबी थी, आज जो मैं आवाज़ उठा रहा था जब से जीता हूँ, आपने इसकी स्वीकृति देकर पूरे जनता को आपने गौरवान्वित किया है। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ। और आपको बता दें 2-3 महीने में ये निविदा भी इसकी बनेगी। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।